गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू चैप्टर 6 कंपेयरिंग नंबर्स में पेज नंबर बेटा 60। क्या है टॉपिक का नेम? अरेंजिंग नंबर्स। नंबर्स कैन बी अरेंज इन द टू वे। हम टू वे में नंबर्स को अरेंज करते हैं। फर्स्ट अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट क्या होता बेटा? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है बेटा? व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर? टू अरेंज द नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर। हम नंबर्स को अरेंज करते हैं कैसे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इट मीन्स बढ़ते क्रम में। जैसे देखिए, ये बच्चा सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, ठीक है। इसमें क्या, बढ़ते हुए क्रम में। जैसे 23 नंबर्स आया, फिर 24, 25, 26, ओके। पुट द नंबर्स इन द ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर। मतलब इट मीन्स छोटे नंबर से लेकर बड़े नंबर तक नंबर्स को रखना, छोटे से बड़े नंबर। जैसे अब देखिए, एलिफेंट्स देखिए बेटा, सबसे पहले कौन सा एलिफेंट है? सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अरेंज किया है ना। ये देखो, हम ये एलिफेंट्स हैं, हमने इनको क्या क्या कैसे अरेंज किया है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। असेंडिंग ऑर्डर इट मीन्स स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ओके। हमने इन्हें छोटे से लेकर बड़े नंबर्स में पुट किया, रखा गया है, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर तक। जैसे अब देखिए बेटा, जैसे कि देखा, अब ये बच्चा है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, बच्चा चढ़ रहा है। इसी तरह से हम आपको और नंबर्स देंगे। जैसे एक ये चीज है, मैं आपको एक उससे समझा देती हूँ। जैसे सीढ़ी है आपके घर में भी बेटा, सीढ़ी हम इनको कैसे अरेंज करते हैं? छोटे, सबसे पहले आप छोटी सीढ़ी पर चढ़ते हैं, मतलब सबसे छोटा नंबर, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब देखिए बेटा, अब ये क्या है? असेंडिंग ऑर्डर, इट मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग नंबर्स किया है, देखो, पहले सबसे छोटा नंबर, उससे बड़ा नंबर, उससे बड़ा, 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 ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये इंक्रीज होता गया एक एक नंबर, और इसको हम बढ़ते क्रम भी बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो क्या हो गया ये? असेंडिंग ऑर्डर। अब दूसरा है बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग, व्हाट इज द डिसेंडिंग ऑर्डर? टू अरेंज द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हम नंबर्स को कैसे अरेंज करते हैं? उतरते क्रम में, मतलब डिक्रीजिंग में, ठीक है ना। डिक्रीजिंग मतलब उतरते हुए। अब जैसे ये बच्चा क्या है कि ये बच्चा है, देखो, पहले क्या है कि ये चढ़ रहा है बच्चा, अब ये बच्चा क्या है? उतर रहा है वापस सीढ़ियों से, ठीक है ना। डिक्रीजिंग मतलब उतरते क्रम में। अब ये क्या है? पुट द नंबर्स इन द ऑर्डर फ्रॉम द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर। इट मीन्स बड़े नंबर से लेकर छोटे, सबसे छोटे नंबर तक, ठीक है ना। बड़े नंबर से लेकर सबसे छोटे नंबर तक। अब यहां क्या है, जैसे बच्चा 26 पे गया, ठीक है, 26 नंबर पर। अब ये 26 से वापस नीचे आ रहा है, तो 26 से पहले क्या आता है? 25, उससे पहले 24 और उससे पहले 23। इट मीन्स जैसे अब इस इन एलिफेंट्स को अरेंज किया हुआ है। देखो, असेंडिंग ऑर्डर में क्या था? सबसे बड़ा एलिफेंट, पहले सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़ा। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है? लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सबसे बड़े से लेकर छोटे नंबर तक, है ना। सबसे पहले सबसे बड़ा एलिफेंट, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा एलिफेंट, उससे छोटा एलिफेंट, फिर सबसे छोटा एलिफेंट, ठीक है। समझ में आ गया बेटा कि असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ओके। अब देखिए, अब आपको ये समझ में आ गया। अब बेटा हम एक एक्सरसाइज करेंगे, उससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, अरेंज द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इन द लेफ्ट विंग। अब इसमें देखिए बेटा, लेफ्ट विंग कौन सी है? ये राइट साइड, और ये कौन सी साइड है? ये तो आपको बेटा पता ही होगा ना
कि ये राइट साइड और ये दिस लेफ्ट साइड. असेंडिंग ऑर्डर एंड द डिसेंडिंग ऑर्डर इन द लेफ्ट विंग. अब लेफ्ट विंग में क्या आएगा बेटा, असेंडिंग ऑर्डर आएगा. तो लेफ्ट देखो ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट विंग में कौन सा आएगा बेटा, असेंडिंग ऑर्डर आएगा. एंड राइट विंग ऑफ द पीकॉक पीकॉक रेस्पेक्टिवली. ठीक है, अब ये राइट साइड में हमें क्या लिखना है बेटा, असेंडिंग ऑर्डर, और असेंडिंग ऑर्डर लेफ्ट साइड में और डिसेंडिंग ऑर्डर राइट साइड में. ओके अब देखिए बेटा ये नंबर्स, गिवन नंबर क्या है, 20, 91, 63, 4 and 20. अब आपको पता ही बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर. इट मीन्स पहले सबसे छोटा नंबर, उससे बड़ा नंबर, उससे बड़ा नंबर, उससे बड़ा नंबर, सबसे लास्ट में लार्जेस्ट नंबर, सबसे बढ़ते, सबसे बड़ा, सबसे लार्ज नंबर. ओके अब ये गिवन नंबर दिए हुए हैं, ये 20, 63, 91, 23 and 4. अब आपको बेटा सबसे पहले ये देखना है इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है. क्या है बेटा, देखो ये वन डिजिट का है ना, ये तो आपको क्लियर ही पता चल रहा है. तो वन डिजिट नंबर का क्या आएगा, सबसे छोटा नंबर है इसमें. ठीक है ना, तो यहां हम सबसे पहले लिखेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे. देखो अब ये विंग भी क्या है, सबसे छोटा विंग है ये, इससे बड़ा विंग ये है, इससे बड़ा विंग ये है, इससे बड़ा विंग ये है, और इससे सबसे बड़ा बड़ा विंग ये है. ये भी क्लियर है. ठीक है, अब आपको ये देखना है फोर यहां लिख देंगे. ठीक है, सबसे छोटा नंबर. उसके बाद में हम देखेंगे, पहले हम देखेंगे टेंस देखेंगे. टेंस में क्या नंबर है बेटा, 23 है, सॉरी, और ये 20 है. अब सबसे पहले हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे, 23 है या फिर 20 है, इन दोनों में से देखो बेटा कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है. तो 20 है ना बेटा, तो पहले देखो टेंस, देखो टेंस में ये कैसे. ठीक है बेटा, पहले हम देखेंगे टेंस प्लेस, देखेंगे 2 है 2 है, ये क्या 6 है, ये 9 है, तो ये तो इनसे ज्यादा बड़ा है, ये दोनों सेम है, तो इन वंस प्लेस पर जाएंगे. ये 3 है और ये 0 है, तो क्या जाएगा, 0 और 3 में से कौन सा छोटा नंबर है, 20 है ना, तो यहां हम क्या लिखेंगे, 20. अब हम इन तीनों में कंपेयर करेंगे, 23, 91 और 63. बेटा ये हो गया, ये लिख दिया. ठीक है, अब ये तीन बच गए नंबर्स. अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेंस प्लेस देखेंगे, 2 है, ये 6 है और ये 9 है, तो इन 3 में से कौन सा छोटा है सबसे, 2 वाला, तो 2 है, तो ये क्या होगा, 23. तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, 23 नंबर. अब हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे, टेंस प्लेस देखेंगे बेटा, 9 है और 6 है, इन दोनों में से 9 बड़ा है या 6 बड़ा है, कौन सा है इनमें से बड़ा, 9 है, और छोटा कौन सा है, 6 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 63. अब हम देखेंगे 90, सबसे लास्ट में कौन सा बच गया बेटा, 91, तो हम यहां लिखेंगे 91. ऐसे ही देखना बेटा. अब हमें क्या करना है, ये हमने आपको राइट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, ये विंग्स फिल कर दिया. अब हम लिखेंगे राइट साइड में बेटा क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अब हमने देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है. ये आप बेटा जान चुके हैं, ये आपने विंग फिल कर दिया है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है. तो इसमें हम पहले सबसे देखेंगे टेंस प्लेस को देखेंगे, ये 9 है, 2 है, 6 है, 4 है, 2 है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा बेटा, तो क्या आएगा, 91 आ जाएगा. फिर हम इन चारों में कंपेयर करेंगे, ये फोर नंबर्स दिए हुए हैं ना, 23, 63 and 20 and 4, इनमें कंपेयर करेंगे तो देखिए 2, 6, 2, 4, इन चारों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा बेटा, 6 है, तो क्या आ जाएगा, 63. फिर हम 23, 20 and 4 में कंपेयर करेंगे. अब देखो ये 2 है, टेंस सेम है. अब 3 and 0 को देखेंगे तो इसमें कौन सा है, 3 बड़ा है, किससे, 3 is the greater than 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 23. फिर हम 20 और 4 में कंपेयर करेंगे, तो आपको क्लियर पता है 20 बड़ा नंबर है 4 से, तो 20 आ जाएगा. लास्ट में क्या आएगा, सबसे छोटा नंबर. डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या आता है बेटा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे बड़े से लेकर छोटे नंबर तक हमने इसको अरेंज कर दिया. ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर. सो वी हैव अरेंज द नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर इन लेफ्ट साइड एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इन द राइट साइड. ओके बेटा, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल सेकेंड, मतलब क्वेश्चन नंबर सेकेंड. बेटा गिवन नंबर क्या है, 100, 20, 9,
62, 42 and 95 नंबर। अब आपको पता ही है जैसा कि बेटा वी नो दैट कि असेंडिंग ऑर्डर हमें कहाँ करना है, लेफ्ट साइड, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर लेफ्ट साइड, ओके राइट साइड सॉरी। अब हमें सबसे पहले इनमें से देखना है बेटा सबसे छोटा नंबर, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर। अब हमें इनमें से बेटा सबसे छोटा नंबर देखना है। देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, टेंथ प्लेस को देखेंगे। टेंथ प्लेस में क्या है बेटा, यहाँ पे पहले बेटा हम देखेंगे टू डिजिट नंबर। टू डिजिट नंबर देखो, 100 तो क्या है, थ्री डिजिट नंबर, ये तो क्या है सबसे बड़ा नंबर है। अब ये क्या है, 29, 68, 42, 95, ये बेटा टू डिजिट नंबर है, एंड 100 थ्री डिजिट नंबर। तो 100 क्या हुआ, सबसे लार्जेस्ट नंबर हुआ, ठीक है। अब हम सबसे पहले इन, तो बेटा हम इसे सबसे लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। अब हम इन चारों में कंपेयर, जो फोर नंबर्स दिए हुए हैं 29, 68, 42 एंड 95, इन नंबर्स में हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम बेटा देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल टेंथ प्लेस, टेंथ प्लेस को देखेंगे, ये 2 है, 6 है, 9 है, 4 है। अब इनमें कंपेयर कीजिए बेटा, इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2 है, 6 है, 9 है या 4 है। 2 है ना, आप सभी को पता है बेटा सबसे छोटा नंबर इनमें से कौन सा है, 2। सो 29 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ओके। तो यहाँ पर सो फर्स्ट वी राइट 29, ओके ओके बेटा। देन अब ये थ्री नंबर्स में कंपेयर करेंगे, ठीक है, 4, 6 एंड 9। अब बेटा इनमें से देखिए, इनमें से छोटा नंबर कौन सा है, 6, 9 और 4 में से, तो क्या है, 4 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। सो 42 इससे बड़ा नंबर है, ठीक है। अब हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे बेटा, 6 एंड 9 में से कौन सा छोटा नंबर है बेटा, 6, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 68। एंड ये यहाँ पे क्या है, सबसे ये अब हम क्या करेंगे, 100 और 95 में कंपेयर करेंगे। 100 छोटा है बेटा ये 95, तो 95 छोटा है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम 95। अब सबसे लार्जेस्ट, विच इज द लार्जेस्ट नंबर, 100, तो यह 100 इज द लार्जेस्ट नंबर, एंड 29 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ओके। 29 इज द स्मॉलेस्ट नंबर एंड 100 इज द लार्जेस्ट नंबर, इट मीन्स स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में हमने पुट कर दिए नंबर्स को, ठीक है। अब बेटा देखो इसका एक तरीका और बताती हूँ। देखो इसमें अब आपने देखा है ना, हमने ये अरेंज कर दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या आता है, सबसे बड़ा नंबर। अब सबसे बड़ा नंबर क्या कहाँ है अपना, एक तरीका ये भी वैसे तो आपको आना चाहिए, लेकिन सबसे तरीका क्या बेटा, आप यहां से भी कर सकते हैं। देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर, हाँ जस्ट इसका अपोजिट। तो हम इसको अपोजिट लिख सकते हैं, 100, 95, 68 एंड 42 एंड 29, इजी हो गया, ठीक है बेटा, समझ में आ गया, ओके। अब नेक्स्ट देखिए बेटा होमवर्क, चलो बेटा ये देखो टू सम्स मैंने आपको समझा दिए हैं, और टू सम्स आपको होमवर्क में करने हैं, ये ठीक है, ये आपका क्लास वर्क है बेटा, आपको बुक और नोटबुक दोनों में करना है। देखो मैं आपको बहुत छोटा वर्क दे रही हूँ, आपको ये भी लर्न करना है व्हाट इज द असेंडिंग ऑर्डर एंड व्हाट इज द डिसेंडिंग ऑर्डर, इट्स ओके बेटा। आपको नोटबुक में ये पीकॉक भी ड्रॉ करने हैं, ठीक है। चैप्टर नेम, आपको चैप्टर नेम लिखना है, कंपेयरिंग नंबर, ठीक है, चैप्टर कौन सा है, 6 है, नेम क्या है, कंपेयरिंग नंबर। फिर आपको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में बेटा इसको आपको ये लिखना है आपकी असेंडिंग ऑर्डर का, ठीक है ना, और ये आपको ड्रॉ करना है। जैसे मैंने आपको उसकी डेफिनेशन भी लिखनी है असेंडिंग ऑर्डर की, और डिसेंडिंग ऑर्डर की भी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। और आपको चाहे तो 1 to 10 तक आप असेंडिंग ऑर्डर में ये ड्रॉ करना है आपको, जैसे असेंडिंग ऑर्डर ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब यहां पे आपको एक बच्चा बनाना है, ठीक है, और यहां से वापस ये वापस ये क्या आ जाएगा बेटा, डिसेंडिंग ऑर्डर,
ठीक है। इस तरह से बेटा आपको ड्रॉ करना है, जैसे चैप्टर का नेम, ठीक है, चैप्टर कौन सा है, अरेंजिंग नंबर, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, इस तरह से करके फिर आपको बेटा नोटबुक में ये आपको पीकॉक ड्रॉ करने हैं, ठीक है बेटा। पीकॉक ड्रॉ करना है ये आपको जरूर करना है, और असेंडिंग ऑर्डर की डेफिनेशन लिखनी है और डिसेंडिंग ऑर्डर की डेफिनेशन लिखनी है। जैसे बेटा ये आपके बुक में लिखी हुई है, देखिएगा यहां से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। आपको असेंडिंग ऑर्डर की ये डेफिनेशन लिखनी है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर की डेफिनेशन लिखनी है, और इसी तरह से आपको ये बच्चे ड्रॉ करने हैं नोटबुक में। चाहे आप 1 to 10 कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको ये स्टेयर्स बनानी है 1 to 10 तक, जैसे कि मैंने आपको ड्रॉ करके बताई है कि 1 to 10 तक आप स्टेयर्स कर सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से बेटा रिकॉग्नाइज हो जाएगा व्हाट इज द असेंडिंग ऑर्डर एंड व्हाट इज द डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।